बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बिगड़ी तबीयत, मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में भर्ती। बांदा जेल की ओर से मुख्तार के परिवार को दी गई जानकारी, अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, आज पीएम आवास का घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। सुबह 10 बजे से दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी, बीजेपी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जताएंगे विरोध। केजरीवाल ने ईडी कस्टडी में बिताए अब तक 120 से ज्यादा घंटे, जेल से ही चला रही सरकार। कंगना रनौत पर सुप्रिया सुनेत के पोस्ट पर बवाल, बीजेपी ने की कांग्रेस से बर्खास्त करने की मांग। सुप्रिया सुनेत के भद्दे पोस्ट पर कंगना रनौत ने करारा जवाब दिया है, कहा हर महिला अपनी गरिमा की हकदार। विवाद बढ़ने के बाद सुप्रिया सुनेत ने दी सफाई, कहा मेरा अकाउंट कई लोग करते हैं इस्तेमाल। सुप्रिया सुनेत के पोस्ट के खिलाफ महिला आयोग ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की, सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस की छठे लिस्ट में राजस्थान के 4 उम्मीदवारों के नाम, तमिलनाडु की 1 सीट पर भी उतारे प्रत्याशी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की अपनी छठी सूची, 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 27 मार्च को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे चिराग पासवान, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, जमुई से अरुण भारती का नाम फाइनल हुआ। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर INDIA गठबंधन में बनती दिख रही बात, सूत्रों के हवाले से खबर, आज हो सकता है ऐलान। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने संघ परिवार पर निशाना साधा, कहा सबसे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए तो भारत माता की जय और जय हिंद के नारे, क्या इन नारों को त्याग देगा संघ। बांग्लादेश से आए मुसलमानों पर असम सीएम के बयान पर ओवैसी का तंज, कहा बांग्ला भाषी मुसलमान पहले से ही भारतीय, वफादारी का सबूत मांगने वालों को बताया कट्टर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान, कहा मंत्रियों के बच्चों को टिकट देना वंशवाद नहीं। एमपी की भोजशाला में एसआई सर्वे का आज 5वां दिन, 6 हफ्ते में सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में करना है दाखिल। अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने फिर की गीदड़ भभकी, कहा कब्जे वाली जमीन पर हुआ अरुणाचल प्रदेश का निर्माण, इसलिए यह क्षेत्र हमारा, भारत ने बयान को बताया बेतुका। आईपीएल के 6ठे मैच में आरसीबी की जीत, पंजाब सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया। आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत होगी, शाम 7:30 बजे से एम के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।